अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लियाकत रोड मदीना बिल्डिंग में और यहाँ पे एक म्यूज़िक एकेडमी है। ग़ुलाम रब्बानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ और आज इनसे म्यूज़िक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाज़रीन को एकेडमी का तारा ज़रा बताइएगा। ये लियाकत रोड पर गीत संगीत अकेडमी है मेरी, ये 40 साल पुरानी अकेडमी है और यहाँ से ही मैंने लड़कों को बताया और ख़ुद भी रियाज़ करता रहा हूँ और यहाँ ही गाना बजाना मेरा सारा हुआ है, जहाँ से मैं फिर इंडिया में भी गया हूँ, रेडियो पाकिस्तान पे भी और टीवी पे भी काफ़ी मैंने मतलब गाता रहा हूँ मैं, और यहाँ से ही लड़के सीख सीख के मतलब इधर उधर गए हैं, जो बाहर भी हैं मुल्क से और इधर भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं, दुनिया के बड़े कोने में हैं। म्यूज़िक की दुनिया में कब आए आप? मुझे म्यूज़िक की दुनिया में तो बड़ा अच्छा हो गया जनाब, क्योंकि उस वक़्त जिस वक़्त मैंने शुरू स्टार लिया था उस वक़्त मेहदी हसन नए नए पर्दा स्क्रीन पे आए और नए नए वो उन्होंने गाना रेडियो पाकिस्तान पे जनाब अली, तो उस वक़्त शौक था हमें तो उनको सुन के, फिर जनाब अली मेरे उस्ताद जी ग़ुलाम अली साहब, फिर उनकी इंट्री होगी, फिर क्या म्यूज़िक था उस ज़माने में और इन लोगों ने क्या जादू जगाया है, और बस उस शौक से ही फिर हम कुछ स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद फिर हमने ये म्यूज़िक को स्टार लिया है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि इस फील्ड में आकर आप क्या समझते हैं, आपने क्या खोया और क्या पाया? यानी से म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि जो अगर सही म्यूज़िक हो तो वो रूह को तस्कीन देने वाली बात है, तो यह है कि हालात जो थे हमारे मुल्क के उसकी वजह से म्यूज़िक को बड़ा डैमेज हुआ है हमारा म्यूज़िक, नहीं तो वरना पाकिस्तान में जितना टैलेंट है और जितना वोकल अच्छा है, जेंट्स वोकल जितना पाकिस्तान में अच्छा है, दुनिया में ऐसा वोकल नहीं है, हिंदुस्तान में लेडीज़ वोकल बहुत अच्छी है, जेंट्स वोकल इतना अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान में जेंट्स वोकल बहुत अच्छा है, तो बस इस आलात ने जो है उसने म्यूज़िक को बड़ा डैमेज किया, और हमारी सकाफत में जितनी चीज़ें हैं सकाफती वो सारी तक इसी वजह से ख़त्म हुई हैं। आपने बाकायदा शागिर्दी की किसी की, आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जी ग़ुलाम अली साहब हैं मेरे उस्ताद, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनका दुनिया में नाम है, मेरे उस्ताद जी वो हैं, तो मैंने 55 साल पहले मैंने उनकी शागिर्दी मैं आया हूँ, उसके बाद मैंने सीखा, ये वाइज दुनिया का ऐसा काम है जो सीखने के बगैर नहीं आता, बाकी दुनिया में देखने से भी कई चीज़ करने से प्रोडक्शन में आ जाते हैं और ये काम जो है वह सीखने के बगैर नहीं आता, तो मैंने उनसे तालीम ली है। गाना मतलब ज़्यादा मुश्किल है? हाँ मुश्किल तो है, क्योंकि इसकी मंजिल बड़ी कठिन है, रियाजत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, फिर इसके ऊपर प्रेक्शर जो है इसकी वो बहुत करनी पड़ती है, तब जाके आदमी कामयाब होता है, क्योंकि सुर में ही गाना जो है वो सुर का ही है। तो म्यूज़िक के अलावा क्या एक्टिंग की तरफ भी आपका रुझान था? नहीं, मेरा एक्टिंग की तरफ तो नहीं रुझान था, लेकिन मैंने बड़े एक्टरों को पर्दा स्क्रीन पे देखा है, इंडियन में और पाकिस्तानी में, फिर मैं बम्बे में गया हूँ, वहाँ भी मैं उनसे मिला हूँ, उनका काम देखा है, लेकिन एक्टिंग बड़ा एक एहसास वाला बारीक काम है, जो दुनिया अब तो गाना एक्टिंग एक मजाया रह गई है, लेकिन असल में एक्टिंग जो है बड़ा बहुत एक पायदार
और एक बड़ा बहुत बड़ा फ़न है जो दुनिया में माना जाता है। लेकिन वरना आदमी तो हर आदमी अपना अपना आजकल जो भी बना लेता है, लेकिन एक्टिंग बड़ी दूर की बात है। कोई शागिर्द भी हैं? हाँ, मेरे शागिर्द बड़े हैं, में हैं, सऊदीया में है, अपने मस्कत में है जनाब अली, और कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा शागिर्द नहीं है। लंदन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ मेरे शागिर्द नहीं है। और पिंडी में भी मेरे ही शागिर्द गा रहे हैं। अच्छा, नए जो इस मतलब म्यूज़िक में, उनके लिए यही पैगाम है कि वो इस काम को सीखें। देखें, गाना जो भी हो, पॉप हो या कोई भी हो, सुर एक ऐसी चीज़ है, वो रियाजत से जब तक आप कुछ रियाजत नहीं करेंगे। देखें ना, क्रिकेट है, उस पर भी जो बॉलर प्रैक्टिस करता रहता है वो बॉलर बनता है, जो क्रिकेट बैट्समैन बनता है वो प्लेयर तभी बनता है कि अपने सीनियर के साथ सामने खेला जाए उसको, वो खेलता है जब, तो फिर उसको मालूमात होती है। और दुनिया के हर बॉलर के साथ खेला जाए तो फिर वो बैट्समैन बनता है। इसी तरह ये काम सीखने के बगैर नहीं आता, सीखता है जो उस पर रियाजत करता है, फिर उसके बाद जनाब अली उसको अदायगी करनी, लफ्ज़ को कहना, खूबसूरत लफ्ज़ों को कहना, तो फिर जाके वो बात बनती है। तो ये कठिन मंजिल है, कोई बात भी नहीं है दुनिया में, तो माँ के पेट से कोई नहीं आगे गाता, सब सीख के ही गाते हैं। दुनिया में इतने बड़े आर्टिस्ट जो हैं, सब सीख के गाए हैं उस्तादों से। एक्टिंग के बारे में ये बात है जी कि मैंने बचपन में इंडियन फिल्में और बहुत पाकिस्तानी में बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्टों को मैं मिला भी हूँ, उनसे मैंने उनकी फिल्में भी देखी हैं। एक्टिंग बहुत भारी काम है। अब तो नाच और कूद का ये मतलब सिलसिला शुरू है, एक्टिंग बहुत बड़ा है। कि दिलीप कुमार से किसी ने पूछा जनाब अली के एक्टिंग क्या चीज़ होती है, तो उनके एक साइड बदलने से जनाब अली आँखों में आंसू आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये एक्टिंग है, और एक्टिंग बहुत बड़ा फ़न है। आजकल तो गाना गाने पे बस पिक्चर नाचना कूदना हो जाता है। मैंने बॉम्बे में भी गया हूँ, वहाँ पर खूबसूरत तरीके से हैं जी उसका मायना समझाना, अगर दूर भी आदमी बैठा हो तो वो समझ जाता है कि ये बात कर रही है। तो ये एक्टिंग बहुत बारीक काम है, लेकिन एक्टिंग तो अब रही नहीं है। तो चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि इसके ऊपर ध्यान दे, ये एक फ़नून है बहुत बड़ा, ये इसको रहना चाहिए दुनिया में, इसका नाम होना चाहिए। हमारे मुल्क में बड़े टैलेंट हैं, बड़ा यहाँ से ही दुनिया के आर्टिस्ट गए हैं, जहूर राजा गया है जनाब अली, और इसमें जनाब अली अलाउद्दीन था जनाब अली, और लियास किस वो था अपना क्या नाम है, ये क्या नाम है पंजाबी फिल्मों, राई साहब जनाब अली, और यहाँ पर सुरेश यहाँ का था जनाब अली, पिंडी का था, और रफ़ीक अजनबी यहाँ के थे जनाब अली, बहुत आर्टिस्ट थे यहाँ के रावलपिंडी के। और ये जो काले रोड पर यहाँ वो थे, हमने हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो फिल्मों में होते थे, हाँ शुजात हाशमी साहब यहाँ के हैं जनाब अली, बहुत आदमी बिलराज सानी यहाँ का था काली रोड का, तो बड़े आर्टिस्ट हैं।